एक बार की बात है, एक जंगल में एक झील थी जो खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस झील में पानी पीने के लिए जाता तो वापस नहीं आता था। एक दिन चुन्नू हिरन उस जंगल में रहने के लिए आया। उसकी मुलाकात जंगल में जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर ने चुन्नू हिरन को जंगल के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन उस झील के बारे में बताना भूल ही गया। जग्गू बंदर ने दूसरे दिन चुन्नू हिरन को जंगल के सभी जानवरों से मिलवाया। जंगल में चुन्नू हिरन का सबसे अच्छा दोस्त एक चीकू खरगोश बन गया। चुन्नू हिरन को जब भी प्यास लगती तो वह उस झील में पानी पीने के लिए जाता था। वह शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था। एक शाम को वह उस झील में पानी पीने के लिए गया तो उसने उसमें बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ मगरमच्छ देख लिया। उसे देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको जग्गू बंदर मिल गया। जग्गू ने चुन्नू हिरन से इतनी तेज भागने का कारण पूछा। चुन्नू हिरन ने उसे सारी बात बता दी। तब जग्गू बंदर ने कहा, अरे भाई, मैं तो तुमको बताना भूल ही गया था कि वो एक खूनी झील है। वो कोई आम झील नहीं, जिसमें जो भी शाम के बाद जाता है वे वापस नहीं आता है। लेकिन चुन्नू हिरन ने पूछा, अरे भाई, वो तो ठीक है, तू मुझे पहले बता देता तो मुझ पर ये मुसीबत तो नहीं आती। चलो कोई बात नहीं, मुझे ये तो बता कि उस झील में मगरमच्छ क्या कर रहा है। उसे तो हमने कभी नहीं देखा। इसका मतलब वह मगरमच्छ ही सभी जानवरों को खाता है जो भी शाम के बाद उस झील में पानी पीने जाता है। अगले दिन जग्गू बंदर जंगल के सभी जानवरों को लेकर झील में गया। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी से ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा, अरे ये जो पानी के बाहर जो चीज दिखाई दे रही है, लगता है यही मगरमच्छ है। ये सुनकर मगरमच्छ कुछ भी नहीं बोला। चीकू खरगोश ने दिमाग लगाया और बोला, अरे नहीं भाई, कैसी बातें करते हो, ये तो भला पत्थर है, पत्थर। कहां तुम्हें मगरमच्छ दिख रहा है। लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे चीकू, जब तक ये खुद नहीं बताएगा कि ये पत्थर है या मगरमच्छ, तभी हम यकीन कर यहाँ से लौट कर जाएंगे। ये सुनकर मगरमच्छ बोला, अरे मैं तो पत्थर हूँ, तुम क्या समझ रहे हो मुझे मगरमच्छ, मैं तो कोई मगरमच्छ मगरमच्छ नहीं हूँ। इससे सभी जानवरों को पता लग गया कि एक मगरमच्छ है। चीकू खरगोश ने मगरमच्छ को कहा, अरे मूर्ख, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर कभी बोल नहीं सकता। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस झील से भगा दिया और वहाँ पर खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए मिलकर करते हैं तो उससे छुटकारा पा ही लेते हैं। तो बच्चों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, बाय बाय बच्चों। नागलोक में नागराज अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था। एक दिन नागराज की पत्नी इच्छाधारी नागिन धरती लोक पर घूमने के लिए आई। इच्छाधारी नागिन जब धरती पर घूम रही थी तो उसने एक बाग में देखा कि काफी अच्छे सेब लगे हुए हैं। बाग में फल, वो भी दिखने में इतना सुंदर, मुझे इसे खाना चाहिए। ऐसा कहते हुए इच्छाधारी नागिन पेड़ के पास गई और फल खाने लगी। उसे सेब काफी मीठे लगे। उसने भरपेट सेब खाए और उसके बाद दोबारा नागलोक चली गई। अब उस बाग में लता आई। लता एक सुंदर सी कन्या थी जो हरिया की लड़की थी। हरिया उस बाग का मालिक था। लता ने देखा पेड़ पर काफी लाल लाल सेब लगे हुए हैं। लता ने भी उसी पेड़ से सेब तोड़कर खा लिया जिस पेड़ से इच्छाधारी नागिन ने फल खाया था। लता ने इच्छाधारी नागिन का झूठा सेब खा लिया
और लता तभी इतने अच्छे सेब, अरे वाह आज तो मजा आ जाएगा। ये मुझ में क्या हो रहा है, ये मेरे शरीर में कैसे बदलाव हो रहे हैं। अरे मैं तो नागिन बन गई, ये क्या हो गया, मैं तो नागिन बन गई। ऐसा कहते हुए लता इच्छाधारी नागिन बन गई, क्योंकि लता ने इच्छाधारी नागिन का झूठा खा लिया था। अब लता इच्छाधारी नागिन के रूप में धरती लोक पर घूमने लगी। तभी वहां दूर दो राक्षसों ने देखा कि इच्छाधारी नागिन धरती लोक पर घूम रही है। हमें भी नागराज से बदला लेने का मौका मिल गया। उसकी पत्नी इच्छाधारी नागिन धरती लोक पर घूम रही है, चलो हम इसे कैद कर लेते हैं। सही कहते हो, इसे कैद कर लेना चाहिए, चलो। ऐसा कहते हुए सारे राक्षसों ने उस इच्छाधारी नागिन यानी लता पर हमला बोल दिया और उसे पकड़ लिया। अब तुम इच्छाधारी नागिन हमारे कब्जे में हो। नहीं, मुझे छोड़ दो, तुम मुझे क्यों लेके जा रहे हो, आखिर तुम लोग हो कौन। अब तो मजा आएगा। अब हम नागराज से अपना बदला लेंगे। नहीं, तुम मुझे छोड़ दो। राक्षसों ने लता को पकड़ लिया था क्योंकि उसने इच्छाधारी नागिन का रूप ले रखा था, और ऊपर से राक्षस भी चाहते थे कि वो नागराज से अपना बदला ले, इसलिए उन्होंने उस इच्छाधारी नागिन को चारों तरफ आग जलाकर बीच में कैद कर लिया। उनमें से एक राक्षस बोला, अब हमारा बदले का सही समय है, हम इस इच्छाधारी नागिन को मार देते हैं ताकि नागराज से हमारा बदला निकल सके। चल पागल, ऐसा नहीं करेंगे हम इसे खूब तड़पाएंगे, उसके बाद ही तो हमारा बदला पूरा होगा। वैसे भी नागराज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। धरती लोक पे हमारा ही राज होगा अगर नागराज और ये इच्छाधारी नागिन दोनों मर जाए तो। नहीं, मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। इच्छाधारी नागिन की आवाज सुनकर वहां से जा रहे नागराज के एक दूत ने देखा कि उन लोगों ने नागराज की पत्नी यानी इच्छाधारी नागिन को पकड़ रखा है। वो दूत नागलोक में गया और नागराज से बोला, हे नागराज, आपकी धर्मपत्नी को धरती लोक पर रहने वाले दुष्ट राक्षसों ने पकड़ लिया है और आप यहाँ पर आराम फरमा रहे हो। कैसी बात कह रहे हो दूत, हमारी पत्नी तो देखो हमारे सामने है, फिर वो धरती लोक पर कौन है जिसे वो राक्षस इतना परेशान कर रहे हैं, इतनी प्रताड़ना दे रहे हैं। धरती लोक पर राक्षस और हमारी पत्नी के रूप में किसी को पकड़ रखा है, फिर तो जरूर जाकर देखना चाहिए। ऐसा कहते हुए नागराज धरती लोक पर आ गए। जब उन्होंने देखा कि राक्षसों ने एक इच्छाधारी नागिन को पकड़ रखा है जो बिल्कुल उनकी पत्नी जैसी दिखती है, तो वो एक बार समझ नहीं पाए। तभी नागराज की पत्नी ने उन्हें बताया, हे नागराज, इस बच्ची को बचा लो, इसकी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी मेरी गलती है। मैं धरती लोक पर आई थी और मैंने जो फल खाया, शायद इस बच्ची ने वही फल खा लिया जिसके कारण इसका रूप बदल गया है और इसने मेरा रूप ले लिया है। नागराज, इसमें सारी मेरी गलती है, आप इस बच्ची को बचा लो, नहीं तो मैं इस पाप का बोझ नहीं सह पाऊंगी। सही कहती हो प्रिय, हमें वैसे भी धरती लोक के प्राणियों को बचाना है और हमें इस बच्ची को भी बचाना होगा। हे दुष्ट राक्षसो, तुम इस बच्ची को छोड़ दो। बच्ची, ये तो तुम्हारी पत्नी है ना नागराज, अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। दुष्ट, तुम्हारी आंखें बंद हो गई हैं क्रोध में और बदले की भावना में, ये देखो मेरी पत्नी तो मेरे साथ है। तो फिर ये कौन है? ये धरती लोक की ही एक बच्ची है, तुम इसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा।
तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। ऐसा कहते हुए राक्षसों ने अपनी शक्ति नागराज की तरफ फेंकी। तभी नागराज ने उस शक्ति से बचाव करते हुए उन राक्षसों को आग की ज्वाला में जला दिया और उस बच्ची को बचा लिया। उसके बाद नागराज उस बच्ची के असली स्वरूप में उसको ले आए और वहां से वापस नागलोक चले गए।